बच चुकी है, सिर्फ हुंकार की बललकार है। आज हम खड़े हैं जौरा विधानसभा में। यहाँ से लंबे समय से कांग्रेस के विधायक बनते चले आ रहे हैं। पिछले लंबे समय से कुशवा समाज अपने विधायक की मांग कर रहा है। आज जब हमने आके यहाँ पर ग्राउंड स्थिति पे बात की तो यहाँ पर लोगों का क्या कहना है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सामाजिक वोट की बात करें, क्योंकि चुनाव आजकल हो चुके हैं जातिगत समीकरणों पर। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण अपने बड़े अमूल्य योगदान निभाता है किसी भी चुनाव में। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्या नाम है आपका? राम अवतार कुशवा। कुशवा जी, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में बहुत बढ़िया स्थिति है फिलहाल। क्या लग रहा है आपको, आप लोगों के कुशवा समाज के द्वारा बार बार मांग की जा रही है, क्या लग रहा है आपको मुरैना से, क्या भाजपा यहाँ से चुनाव निकल पाएगी या बीजेपी निकालेगी या कांग्रेस निकालेगी, क्या स्थिति है? देखो तो कहने का मतलब जनता निर्भर हो रहेगा, अपना कहने ओबीसी वर्ग का अपना कोई हो, सामान्य वर्ग के लिए अपन वोट जिंदगी नहीं कर सकते। ओबीसी वर्ग का अपना बीजेपी तो आ गया, उसके लिए संघर्ष है। वैसे रवि भैया के लिए फर्स्ट में तो हम देख रहे हैं इस तरह कई तरीके के लोग मौजूद हैं। हम बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुशवा। रमेश जी, यहाँ पर लगातार लंबे समय से पीछे कई अगर बात की जाए कई चुनाव कांग्रेस ने जीते, कई चुनाव बीजेपी ने जीते, लेकिन इस बार जौरा विधानसभा की मानसिकता जाति के समीकरणों पर सिमटी है, क्या लग रहा है आपको? पूरा मैं अपने एड्रेस से अपना पता दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपना बात रखूँ। मैं रमेश कुशवा हूँ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष केलारस और वर्तमान कुशवा महासभा का जिला जिला मुरैना, 6 विधानसभा के ऊपर कुशवा महासभा का जिला। और आपने जो पूछी जौरा विधानसभा की, मैं आप सरकार से और बीजेपी से और हमारे सभी सम्मानित लोग हैं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, अमित शाह जी हैं, मैं सभी से पहल पत्र तो मेरा कुशवा समाज की तरफ से एक निवेदन है। कुशवा समाज को अभी तक बीजेपी ने एक टिकट नहीं दिया है, और अगर बीजेपी टिकट हमारी समाज को देती है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कुशवा समाज जिला दोनों के नारे ये जिस सीट तो जीतेगी, हम कई और सीट जिता के देंगे, ये दावा करते हैं और वादा करते हैं। और हमको जनता में जो हमको सर समाज का वोट, हमने सर समाज से भाईचारा बनाया है, एक समाज समाज नहीं, सर समाज की हर समाज की जाति का वोट हमको बिल्कुल भरपूर सहयोग मिल रहा है और भरपूर वोट मिल रहा है। अच्छे अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे आएंगे, और बीजेपी के खाते में से हम रवि भैया को बिल्कुल आपके सामने और पूरी दावेदारी कर रहे हैं टिकट। हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदार सिंह कुशवा, मंडी डायरेक्ट, पूर्व पार्षद बामोर, बीजेपी। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप बीजेपी के कहीं ना कहीं आप पदाधिकारी हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या बीजेपी इस बार दोबारा से इस सीट को दोबारा, अभी बीजेपी के पास ये सीट है, और क्या लग रहा है आपको क्या दोबारा इस सीट पर जीत पाएगी इस बार? देखो जीत तो पाएगी, परंतु मेरा कहना है कि हमारा कुशवा बावल क्षेत्र है। जाति के समीकरणों की अगर बात करें तो कितना वोट बैंक है जौरा विधानसभा में कुशवा बावल ने? कुशवा को 50 के करीबन वोट है। अन्य समाजों का क्या स्थिति? अन्य समाजों को 40-45 में सिमट के रह जाती है। कौन सी समाज है और दूसरे नंबर पर रह जाती है उनकी कितना वोट बैंक? उसके 45 के करीबन रह जाते हैं, हम 50 पे ऊपर निकल जाते हैं। इसलिए हम निवेदन है, हमारी यात्रा आ रही है अभी, यात्रा उनसे निवेदन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी से काफ़ी समय से कर रहे हैं कि हमारे समाज को, कुशवा समाज को, हमारे क्षेत्र में युवा नेता रवि कुशवा है और भी नेता हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को किसी को टिकट मिल जाएगा, हमारी समाज इस सीट को नहीं बाकी और भी सीटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने के लिए ऐसा मन बना लिया है। अगर हमारी समाज को कुछ ने टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो हमारी समाज ऐसा निर्णय देगी कि जो मुरैना के अंदर जिले के अंदर जीरो लगा देगी, ऐसी मेरी कुशवा समाज है। हर एक क्षेत्र में सही विधानसभा में जाएगी, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 से कोई ऐसी विधानसभा हमारी बाकी नहीं है। हमारे साथ युवा नेता रवि कुशवा जी, जिनकी डिमांड, जिनका कहीं ना कहीं नाम निकल कर सामने आ रहा है, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं।
कुशवाहा जी, लगातार आपका नाम क्षेत्र की जनता से निकलकर सामने आ रहा है। आज एक जन आशीर्वाद यात्रा का माहौल है आपके क्षेत्र, हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आपका नाम निकल के सामने आ रहा है। जातिगत समीकरणों को लेके, कई चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आपका नाम उभर कर सामने आ रहा है। अभी करंट में क्योंकि बीजेपी की सीट है, बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी इस बार आपको मौका देगी? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी कार्यकर्ता को हमेशा बढ़ावा देती है। ये हमारे माननीय जो हैं नेता जी, उनका निर्णय रहेगा, जो भी पार्टी निर्णय करेगी मैं उसमें सहमत रहूँगा। अगर आपको मान के चलते हैं कि आप विधायक बनते हैं, यहाँ से जीतते हैं और भविष्य में आप भविष्य के विधायक होते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए क्या बड़ा काम करेंगे, एक आयाम के रूप में क्या स्थापित करेंगे? देखिए, यहाँ पर जगह जगह जो सरकारी जो सहायता हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तमाम योजना दे रहे हैं लेकिन वो नहीं धरातल पर पहुँच पाती हैं। तो सबसे प्रथम काम मेरा ये रहेगा, मैं हर दिन गांव में करीबन 5 गांवों को चिन्हित करूंगा और उनमें जाकर सारे जितने भी लोग हैं, अपने प्रशासन के लोग, उनको बिठाकर उन 5 गांवों की मैं एक दिन में निपटारा करवाऊंगा कि भाई इनकी जो ये समस्याएं हैं उनको धरातल पर काम करेंगे। क्योंकि मैं भाषणों वाला नेता नहीं हूँ, अपन धरातल पर काम करते हैं। मेरे साथ एक समाज नहीं है, सातों बिरादरी के लोग खड़े हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर एक कुशवाहा समाज ही नहीं है, बकाया और भी समाज के लोग हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि नेतागिरी भाषणों से नहीं होती है, धरातल पर काम भी करना पड़ता है इसके लिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सरकारों पर लगते रहते हैं और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पहला तो कर्तव्य ये होता है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो अधिकारियों को अपन खुद रिश्वत देते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप रिश्वत ना देते हुए उसको ये अवगत कराइए कि रिश्वत लेने का अधिकार तेरे को है नहीं है, सरकार तनख्वाह दे रही है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने लीगल अनलीगल कामों के लिए रिश्वत देते हैं, तो उससे फिर क्या है, आमजन जो भी लीगल काम होता है उसके लिए आमजन को बहुत परेशानी आती है। तो इसके लिए अपन जो भी समस्या होगी, अगर लोगों का मानना होगा कि आपको हमें ये अधिकारी परेशान कर रहा है, तो मैं वहाँ जाकर स्वयं उसके साथ में खड़ा रहूँगा। किसी भी भ्रष्टाचारी को मैं यहाँ टिकने भी नहीं दूंगा अगर मौका मिला तो। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि जौरा विधानसभा में लगातार चुनावों के समीकरण बन रहे हैं, आज जन आशीर्वाद यात्रा भी आ रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या स्थितियाँ हैं? देखो, हमारे कुशवाहा समाज के करीबन 45-50 हज़ार के आसपास वोट हैं। हमारी समाज की सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि एक हमको एक जिले में एक टिकट तो चाहिए, और कौन सा चाहिए हमको, जौरा चाहिए। हमारा युवा नेता रवि भैया जैसे खड़े हैं और हमारी आवाज़ को तत्पर बुलंद करने के लिए हम जब सूचना करते हैं उनको, हमें ज़रूरत है उनकी, जब भी हमारे बर वक्त का ऐसा हमें ज़रूरत पड़ती है उसी वक्त हमारे साथ खड़े हैं। हमें अपना रवि भैया जैसा नेता चाहिए जोरा में। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह कुशवाहा। हुकुम जी, क्या लगता है आपको, जोरा विधानसभा के समीकरण क्या कह रहे हैं, इस बार क्या स्थितियाँ सामने आ रही हैं? समीकरण जी है, हमको युवा नेता नेता चाहिए, युवा नेता के फिर दूसरी बात, हमें विधायक चाहिए कंधे से कंधा मिला के चलने वाला। क्योंकि हर जगह क्या किसान है, किसान व्यक्ति, किसी को परेशानी आती है तो जो नेता हैं, जो विधायक हैं, बन जाते उसके बाद में नहीं आते। हमें ऐसा रवि भैया नेता ऐसा चाहिए, जो रवि कुशवाहा जैसा विधायक चाहिए हमको जोरा में। तो आपने देखा किस तरीके से भ्रष्टाचार और आम जनता के विधायक के रूप में उभर कर सामने आएगा ये नया नाम, कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में सामने आएगा। मैं अजय राज सक्सेना, जौरा विधानसभा, मुरैना।